हेलो। हेलो। पर ये मतलब क्या हो गया एकदम से, ये कि अपनी तो सीटें ये 300 पार या फिर 295 के आसपास दिखा रहे थे पहले, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है इन्होंने तो बिल्कुल वो एक तरफा मामला कर दिया। पहले से भी बुरी तरह से 100 सीटें और 150 के आसपास सीटें दिखा रहे हैं ये लोग तो दरअसल मतलब। जो ये एग्जिट पोल हैं हाँ इन पर भी यानी हमको पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं मतलब इसके पीछे मतलब क्या वो हो सकता है, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, अब ये लोग भला गलत क्यों दिखाएंगे। हालांकि ये चीज भी सच है, जो ये मीडिया है, ये गोदी मीडिया, ये मोदी मोदी चिल्लाता है, इसके उस पर कोई हमें यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन से पहले तो हम भी ये सोच लेते थे कि भाई इस वजह से ये ज्यादा मोदी मोदी कर रहे हैं, कि अभी तो जो लोग हैं वोट मोदी को ही दें, जब जीता ही मोदी जीत रहा है, तो लेकिन अभी ऐसा क्यों करेंगे। दरअसल इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहले जो एग्जिट पोल है, जिस आधार पर जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं, सबसे पहले उस आधार को भी समझना चाहिए। और वो आधार, वो बेस इतना कमजोर है, इतना वीक है कि उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा बार बार हुआ है। अगर आपने एग्जिट पोल्स का इतिहास देखेंगे अलग अलग चुनावों में, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या फिर ये जो आम चुनाव है, तो उनमें गलत साबित हुए हैं अलग अलग जगह। यानी पूरी तरीके से जो एग्जिट पोल में बताया था कुछ, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उसके उलट आए हैं। लेकिन मतलब फिर ये लोग इतना मतलब इतनी फालतू तो सीटें दिखा रहे हैं जी से, मतलब मोदी जी की, तो इनको इससे क्या फायदा होगा भला। दरअसल इसमें कई जगह तो एग्जिट पोल हैं, उनकी ही पोल खुल गई है। इसमें एक चीज ये बताई है, जो राजस्थान में तकरीबन 25 सीटें हैं, लेकिन वहां पर जो एग्जिट पोल है, तकरीबन 8 या 9 जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं, उसमें 33 सीटें यानी भाजपा को जिताई जा रही हैं। यानी 25 सीटें टोटल हैं और 33 सीटें यानी जिताई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने यानी ये बात कही है, उसका वीडियो भी मौजूद है, कि यानी ऊपर से एक आदेश दे दिया गया है कि भाजपा को ही यानी जो बढ़त है और बड़े पैमाने पर उनको जिताना है, इस तरीके से दिखाना है। नहीं मतलब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि चुनाव तब हो गए, ऐसा था नहीं भाई कोई उनको देख के कोई वोट मोदी को करेगा। नहीं, सबसे बड़ा फायदा तो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है, ताकि जो बीच का ये अरसा है, यानी 1 तारीख को 7वें चरण की वोटिंग हुई, 4 को जो नतीजे आएंगे, तो ये जो टाइम था इस बीच, यानी अंदर अंदर कुछ गड़बड़ी भी की जा सके, घपला और घोटाला किया जा सके, और अच्छा, पहले से मतलब ही इसमें ये मतलब इसका इस वजह से ये मतलब पहले से ही जो भाजपा को बढ़त दिखा दी गई, ताकि जो मतलब इंडिया लाइंस है वो एक तरह से मतलब दबाव से में आ जाए, वो ये सोचने लगे कि भाई हम तो जब भी हार रहे हैं, जब भी हार रहे हैं, फिर जो ये ईवीएम मशीन वगैरह है इन पर ज्यादा नजर वगैरह ना रखे और पीछे से घपला कर सके, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ना। क्योंकि जो ईवीएम है उस पर लगातार पहले भी सवाल उठे हैं, कुछ ऐसी वीडियोज भी आई हैं कि कोई शख्स यानी कांग्रेस पार्टी को देना चाह रहा है वोट, लेकिन उधर कमल का निशान आ रहा है, ऐसी चीजें भी आई थी। लेकिन इस पर एक मोदी जी का बयान भी वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस 4 जून को यानी हार के बाद ईवीएम का रोना रोएगा। तो तो यानी ये कि भी इनको इस पहले से ही तरह पता है। इस तरफ ये मतलब ये संकेत दे रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं बहुत सारे कि मतलब ये पहले से ही इस वजह से ज्यादा सीटें दिखा के चल रहे हैं, ताकि बीच में ये गड़बड़ी कर लें, और जब एकदम से सीटें इतनी कम आए कांग्रेस की, तो लोगों को एकदम अचंभा ना हो, एकदम वो ताज्जुब से में ना पड़ जाए, पहले से उनको बता के चले कि इतनी कम सीटें आ रही हैं और हम मतलब घपला कर लेंगे। और साथ में ये बात भी कही जा रही है कि 2019 में 353 सीटें आई थी एनडीए को, अगर भाजपा की जो अलायंस है, तो इस बार जो भाजपा है तकरीबन 150 सीटें हार रही है। इसीलिए तकरीबन जो 150 DM है, जिलाधिकारियों को कॉल किया गया है ताकि इन 150 सीटों पर मैनेज किया जा सके। तो ये भी कहा जा रहा है। बहरहाल जो विपक्ष है वो अभी भी उम्मीद नहीं हारा है, और जो भाजपा एक तरह से एग्जिट पोल के बहाने पूरी तरीके से यानी चुनाव को पलटने की जो कोशिश कर रही है, तो इससे अभी वो हताश नहीं है।